नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज हम फिर लेके आए आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टडी, मतलब स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लें। और अब शुरू करते हैं पहले से। देखिए पहला, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड का इवोल्यूशन अध्ययन जब किया जाता है तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि मतलब कैसे कैसे आगे बढ़े, उसमें क्या चेंज हो रहे हैं, वो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। कहाँ से आई है, कैसे वो कैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मतलब एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए सेकेंड, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी जीवित जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, तो उसका उसके एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्या, इकोलॉजी। अब देखिए थर्ड, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, मतलब आयु से संबंधित होता है, जिसे हम एज की जब स्टडी करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, मतलब एज मतलब आयु, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। अब देखिए फोर्थ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत लोग जानते होंगे, तो इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, जब माइंड की या दिमाग की जब स्टडी की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। और जो इलाज करते हैं या पढ़ते हैं उसको क्या, उनको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी हो गई हमारी। अब फिर देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से समझ में ही आ रहा होगा, जीन, ठीक है। द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटरी मतलब वंशानुक्रम, और वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीव हैं वो कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं उनके जीन में, या फिर वंशानुक्रम में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। अब देखिए सिक्स, फिलेटली। फिलेटली क्या होता है, स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड पोस्टल हिस्ट्री, मतलब जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं उनको कलेक्ट करना और उनके बारे में पढ़ना, जानकारी इकट्ठी करना, या फिर उनका इतिहास पढ़ना, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिलेटली। इससे पहले मैंने बताया था जब कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, पेपर मनी को, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। लेकिन जब पोस्टेज स्टैम्प्स को जब कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिलेटली। अब देखिए सेवन, बायोलॉजी। बायोलॉजी को सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या होती है, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, चाहे वो मानव हो, जीव हो, कीट हो, या फिर कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, बस लिविंग हो, तो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं उसको। अब देखिए एट, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है, मतलब सुंदर लेख लिखना, उसको खूब सजा के, जैसे लगे कि बिल्कुल मशीन से हमने प्रिंट आउट लिया है। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंडराइटिंग। ऑर्नेट मतलब सजाना होगा यहाँ पे, गुड हैंडराइटिंग मतलब बहुत ही अच्छी जो लिखावट है, उसको जो लिखने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। मतलब एक एक अक्षर लगे कि बस चुन चुन के किसी तरीके से ऐसे लिखा गया है जैसे इंसान लिख ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब देखिए नाइन, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यहाँ से ज़्यादा मतलब इससे पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब हम जनसांख्यिकी की अध्ययन करते हैं, जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, मतलब जब पॉपुलेशन की जब स्टडी होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या भी किसी से भी रिलेटेड जब पॉपुलेशन की स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अब देखिए टेंथ, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, मतलब वाटर का फ्लो और अदर जो लिक्विड है उसका फ्लो जब हम स्टडी करते हैं, उनके ताप दाब के बारे में जब हम प्रेशर देते हैं तो उस पर कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स।
जिससे हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम काम इसी से ही करते हैं, लिक्विड से ही। ठीक है, तो ये आज की हमारी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किससे, स्टडी से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी स्टडी से ही रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।